हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने साड़ी और चुन्नी ली हुई है। आप इसको वूल से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी। तो फंदे यहाँ पे मैं पिंक कलर से ले रही हूँ। ये देखिए, आप इसमें जितना मर्जी कलर लगा सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हम आपको 20 फंदे में इसको बताएंगे। और ये वाला 34 फंदे का है। तरीका सेम रहेगा बनाने का, तो हम यहाँ पे 20 फंदे ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 20 फंदे ले लिए हैं, 20 फंदे। और देखिए, इस तरह से फर्स्ट रो में ही हम इसमें एक एक फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये डिजाइन यहाँ से आती जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से ऐसे बूल को घुमाएंगे। और हमने ये साड़ी और चुन्नी से बनाया है, यहाँ पे हम आपको बूल से बता रहे हैं। तो ऐसे हमने देखिए एक फंदा यहाँ बढ़ा लिया। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 फंदे हमने बुने, दो बिना बुने छोड़ दिए। बूल को इधर किया और सिलाई को हमने यहीं से पलट लिया। ऐसे दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बनाना है। ऐसे पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे ये देखिए, इस फंदे को हमने ऐसे बुन लिया। यहीं से हम वापस पलट लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से फिर से ऐसे बुल को घुमाएंगे, इस फंदे को बुनेंगे। तो ऐसे एक फंदा बढ़ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 फंदे बुने, दो बिना बुने छोड़ दिए। यहीं से वापस हम इसको फिर से पलट लेंगे। ऐसे पूरी रो हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे। इधर से इस साइड से कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको उल्टा उल्टा बनाते जाना है। उल्टी रो में एक फंदा बढ़ाते जाना है। ये देखिए, इसको हमने बना लिया। अब हम यहीं से फिर से पलट लेंगे। अब यहाँ से हम ऐसे घुमाएंगे, इसको बुन लेंगे। तो यहाँ से हमने एक फंदा फिर से बढ़ा लिया। तीन फंदे तीन रो में यहाँ पे बढ़ गए हैं। ऐसे लास्ट में हम फिर से दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, दो फंदे हमने फिर छोड़ दिए। तो दो दो करके हम फंदे छोड़ रहे हैं और यहीं से पलट ले रहे हैं। और इधर की रो हम पूरा ऐसे ही बुनेंगे। इस तरह से ये रो मैंने बना ली है। आप देखिए, इसी तरीके से हम यहाँ पे देखिए, ये 6 फंदे छोड़ चुके हैं और 3 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब ऐसे ही हम 4 फंदे और छोड़ेंगे और यहाँ पे 2 फंदे और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 10 फंदे छूट जाएंगे और ये 5 फंदे बढ़ जाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 फंदे एक एक करके बढ़ा लिए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 रो बनी है और ये 10 फंदे हमने दो दो करके छोड़ दिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। देखिए 20 फंदे का है तो आधे फंदे यहाँ पे छूटने तक हमने ये देखिए लास्ट तक हमने फिर से इसको बना लिया। अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको बुनेंगे। यहाँ पे वापस 2 का 1 कर दिया, यहाँ पे 3 फंदे इस रो में घट गए, ये देखिए 2 छोड़ दिए, यहीं से पलट लिया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 उसके बाद देखिए यहाँ पे हम फिर से 2 का 1 कर देंगे और 2 फंदे हम छोड़ देंगे। अब इस रो में देखिए हम ये 2 का 1 करेंगे तो हमने ये 5 फंदे घटा दिए जो हमने बढ़ाए थे। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 20 फंदे हमने छोड़ दिए दो दो करके। यहाँ पे देखिए एक कली ये बन के कम्प्लीट हो गई। अब हम यहाँ से पूरी रो उल्टा बुन लेंगे, ऐसे लास्ट तक हम उल्टा इसको बुनेंगे ऐसे। ये देखिए लास्ट तक हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए मेरे पास इस रो में फिर से 20 फंदे हैं तो हम उल्टे तरफ से दूसरी कली बनाने के लिए हम कलर चेंज कर लेंगे। आप जितना मर्जी इसको कलर लगा सकते हैं, इसमें कलर आप इसी तरीके से लगाएंगे। कली पूरी होगी उसके बाद एक रो कंप्लीट करेंगे। तो हमने सीधे तरफ से रो कंप्लीट की, उल्टे तरफ से हमने कलर चेंज कर लिया ऐसे। इस बुल को हम ऐसे ही इसके साथ में दबाते हुए ले जाएंगे ऐसे।